छात्रों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं और उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो ड्राइंग के मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनमें हैं सबसे पहले मिनी डॉप्टर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, पेंसिल, स्केल, डस्टर, रबर, ड्राइंग बोर्ड क्लिप, ड्राइंग शीट एंड ड्राइंग बोर्ड्स। ये मेन इंस्ट्रूमेंट हैं। ये इंस्ट्रूमेंट आपको रखना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रॉपरली जो है ड्राइंग का काम कर पाएंगे। छात्रों, हम देखते हैं सबसे पहले मिनी डॉप्टर। मिनी डॉप्टर क्या कहलाता है? ये हमारे पास यहाँ पे ये मिनी डॉप्टर है, ये मिनी डॉप्टर है। इस मिनी डॉप्टर के का जो काम होता है, इसका मुख्य काम होता है पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। सीट के ऊपर किसी भी लाइंस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। इस मिनी डॉप्टर के जो मेन पार्ट्स हैं, वो है एक क्लैंप है, ये पिवट प्लेट है, ये पैरेलल लाइंस प्लेट्स हैं, पैरेलल लाइंस आर्म्स हैं, ये भी पैरेलल लाइंस आर्म्स हैं ये। और इसका जो मुख्य हमारा पार्ट्स मिनी डॉप्टर का, ये है स्केल। ये ब्लेड्स या स्केल्स एक दूसरे से ये 90 डिग्री पे इंक्लाइंड रहती हैं। ये हॉरिजॉन्टल ब्लेड है और इसके 90 डिग्री जो है ये वर्टिकल ब्लेड्स होती है। ये ब्लेड्स जो है इस नट के थ्रू इनको हम टाइट कर सकते हैं और ये यहाँ से जो है ये पिवट पॉइंट से यहाँ से जो हमारी ब्लेड्स है ये रोटेट हो सकती है। तो स्टूडेंट, जब हम इस मिनी डॉप्टर को बोर्ड पर कस देते हैं या डेस्क पर ड्राइंग बोर्ड पर कस देते हैं, ड्राइंग बोर्ड पर कसने के बाद हम इसको किस इस स्केल को ये ब्लेड्स को एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर मूव कराते हैं, तो हम देखते हैं कि उस समय पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स हैं या वर्टिकल ब्लेड्स हैं उनका जो मूवमेंट हमेशा पैरेलल बना रहता है। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स हमेशा पैरेलल मूव कर रही है, सेम वर्टिकल ब्लेड्स भी ये पैरेलल मूव करती है। तो यही हमारी मिनी डॉप्टर का मुख्य काम है और इसी यही यही जो मिनी डॉप्टर का मुख्य काम है और इसी पर्पज से मिनी डॉप्टर का डिजाइन किया गया है। मिनी डॉप्टर की जगह पे हम पहले दूसरे भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये रोलर स्केल है। इस रोलर स्केल की हेल्प से भी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन हम खींच सकते हैं, बट इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है और साथ ही साथ इसमें फटाफट या फास्ट स्पीड से हम पैरेलल लाइन नहीं खींच सकते हैं। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट होता है मिनी डॉप्टर की जगह पे जो पहले यूज किया जाता था, वो टी स्क्वायर बोलते हैं। टी स्क्वायर में हमारे पास एक ब्लेड होती थी और उस एक ब्लेड के ऊपर एक टी के शेप में उसका हेड हुआ करता था और उसकी हेल्प से भी हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। स्टूडेंट, दूसरा जो हमारे पास ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ये है हमारे पास ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। इसमें हम देखेंगे, खोल के देखते हैं इसमें। तो इसमें जो है ये कंपास है, ये एडजस्टेबल कंपास है, ये बड़ा वाला कंपास है, इसको डिवाइडर भी हम बना सकते हैं और इसको कंपास भी बना सकते हैं, प्रकार भी बना सकते हैं इसको। ये प्रकार भी है, कंपास भी है और डिवाइडर भी है, इसमें तीनों चीजें इंक्लूड है। ये छोटा वाला है, इससे भी इसमें इस ये भी एडजस्टेबल है, इसमें इसको हम एडजस्ट करके इसको पोर्टेबल है, इसमें चेंज हो सकता है। इसमें ये जो है ये इसका जो सेकेंड पार्ट है, इससे हम या तो प्रकार भी बना सकते हैं या फिर इसको डिवाइडर बना सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में ये हमारे पास एक अलग से अटैचमेंट है। इस अटैचमेंट की हेल्प से जो हमारे पास नॉर्मल पेंसिल है, इस पेंसिल को हम इसमें यूज करके एज ए कंपास, एज ए डिवाइडर या एज ए प्रकार हम इसको यूज कर सकते हैं। इस टाइप से ये पेंसिल इसमें फट जाती है और इस पेंसिल को हम इस अटैचमेंट को हम
यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं, और फिर ये पेंसिल की हमारी नॉर्मल पेंसिल को भी एक कंपास की तरह यूजेबल कर सकता है या कर देता है। ये देखिए इस टाइप से देखिए, तो ये जो है हमारा, ये हमारी पेंसिल यूजेबल हो जाएगी प्रकार की तरह। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसमें, वो नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, ये डिवाइड स्क्रू ड्राइवर है। इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हमारे जो प्रकार हैं या जो कंपास हैं, इनके जो बोल्ट हैं, नट बोल्ट्स हैं, यदि ये ढीले हो जाते हैं तो इनको हम इस तरीके से, यदि ये लूज हो जाते हैं तो इनको हम इस तरीके से टाइट कर देते हैं, ताकि जो हमारा कंपास है उसमें लूजनेस ना रहे। इसके साथ में ये हमारे पास इसमें एक अलग से ये एक बॉक्स टाइप का दिया हुआ है। इस बॉक्स में हम एक्स्ट्रा पेंसिल्स लीड रख सकते हैं इस तरीके से। इसके साथ साथ हमारे पास एक छोटा शॉर्पनर है इसमें, इस शॉर्पनर की हेल्प से जो हमारे पास लीड पेंसिल्स हैं, इस टाइप की ये लीड पेंसिल्स हैं, इस लीड पेंसिल में हम इस टाइप से नॉक बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। इस इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सारे जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब के सब इसमें रखे रहते हैं, और इसकी हेल्प से हम ड्राइंग के जो सारे ड्राइंग के जो पार्ट्स, जो ड्राइंग का एक और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है जो आर्किटेक्चर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, उसका भी हमारे पास एक पीस है, सैंपल है, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ये आर्किटेक्चर्स के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ये आर्किटेक्चर्स लोग यूज करते हैं। इसमें इसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट सारे रखे रहते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें प्रकार है, ये अपना प्रकार है, डिवाइडर्स है, ये बड़ा डिवाइडर, छोटे, ये बड़े वाले डिवाइडर्स हैं, ये छोटे डिवाइडर्स हैं, छोटे प्रकार हैं, छोटी साइज के लिए। और साथ ही साथ इसमें ये एक्सटेंशन रॉड है, इस एक्सटेंशन रॉड की हेल्प से हमारे जो ड्राइंग है उनको हम बड़े शेप में आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सेट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे सेट स्क्वायर्स देखेंगे। सेट स्क्वायर्स दो का पेयर होता है, इसमें दो ट्रायंगल्स होते हैं। एक ट्रायंगल्स होता है जो जिसकी दोनों साइड से एक दूसरे से 45 डिग्री पे इंक्लाइन रहती हैं, और दूसरा जो होता है सेट स्क्वायर जिसपे दोनों की साइड एक 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 कॉर्नर पे 30 डिग्री से 60 डिग्री पे इंक्लाइन होता है। इन दोनों सेट स्क्वायर की हेल्प से हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। देखिए पैरेलल लाइन इससे इजीली खींची जा सकती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे पैरेलल सेट स्क्वायर की हेल्प से पैरेलल लाइन खींची जाती है। देखिए जैसे हमारे हमें पैरेलल लाइन खींचना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये लाइन खींची रही है, जैसे कि हमारे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, और इस लाइन से यदि हमें पैरेलल लाइन खींचना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले इंस्ट्रूमेंट को इसकी इसको इस ये जो एक सेट स्क्वायर है, ये एक सेट स्क्वायर को इस लाइन से मिलाएंगे, और दूसरे सेट स्क्वायर की हेल्प से दूसरे सेट स्क्वायर को यहाँ पे साइड में फिक्स करेंगे। फिर इसको इस टाइप से स्लाइड करते जाएंगे, और स्लाइड करने के बाद ऐसी जो है हम लाइन खींचेंगे, तो जो लाइंस रहेंगी वो लाइंस जो है हमारी जो पहली लाइन मेन लाइन थी उस मेन लाइन के पैरेलल रहेंगी इस टाइप से। तो ये सेट स्क्वायर की हेल्प से हम पैरेलल लाइन खींचते हैं। साथ ही साथ सेट स्क्वायर की हेल्प से हम किसी सर्किल को इक्वली 6 पार्ट्स में या 12 पार्ट्स में या 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस सेट स्क्वायर की हेल्प से इस वाले कॉर्नर की हेल्प लेके हम किसी भी सर्किल को इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इसकी हेल्प लेके किसी भी सर्किल को हम इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है प्रोटेक्टर।
प्रोटेक्टर मतलब होता है चांदा। इस चांदी की हेल्प से जो हमें एंगल मेजर करना है, इससे हम एंगल मेजर करते हैं। ये चांदी जो है दोनों टाइप से इसमें मार्किंग होती है। अगर हम यहाँ से मेजर करना है तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से 180 डिग्री तक जाएगा। यदि हम यहाँ से मेजर करना है तो यहाँ से 0, 1, 2, 3 और 180 डिग्री तक यहाँ पे रहेगा। इसमें दोनों डायरेक्शन में स्केल रहती है, एंगल्स रहते हैं। उसको आपको जो भी एंगल, जिस साइड से एंगल मेजर करना है उस साइड से आपको इसको नापना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ और इस पॉइंट पे मेरे को यहाँ से एक एंगल ड्रॉ करना है 72 डिग्री का। सो 72 डिग्री का जीरो साइड से भी ड्रॉ हो सकता है, इस साइड से भी ड्रॉ हो सकता है। अब इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम किस साइड से मेजर करना है तो हम इसको देखेंगे कि मोस्टली जो है हम एंगल जो है इस साइड से ड्रॉ करेंगे। और इस टाइप से एंगल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से देखेंगे कि ये हमारे यहाँ 0 है 1, 2, 3, 4 और ये हमारे यहाँ पर 72 डिग्री हो जाएगा। इस 72 डिग्री मार्क करने के बाद यहाँ हम स्केल्स इसको इस टाइप से मिला देंगे। सो ये जो एंगल है हमारा 72 डिग्री का एंगल हो जाएगा। छात्रों इस टाइप से प्रोट्रैक्टर से हम एंगल मेजर करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, वो है फ्रेंच कर्व। सो फ्रेंच कर्व जो होते हैं मोस्टली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। इनकी हेल्प से दो से ज्यादा 3 पॉइंट या 4 पॉइंट को हम स्मूथली मिलाते हैं कर्व के फॉर्म में। ये फ्रेंच कर्व जो है मार्केट में 3 पीस में अवेलेबल रहते हैं। ये 3 पीस हैं और इन तीनों पीस की हेल्प से ज्यादातर हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इलिप्स, साइक्लॉइड या एपिसाइक्लॉइड या फिर स्पाइरल, ये सारी चीजें हम इनसे बनाते हैं। इनके जो आउटर पॉइंट्स होते हैं उनको इन फ्रेंच के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रेम को यूज करके उसको हम स्मूथली मिला देते हैं। इसके बाद है पेंसिल। पेंसिल इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3 टाइप की पेंसिलें यूज की जाती हैं, 3 ग्रेड की पेंसिल यूज की जाती हैं। ये हमारे पास जो पेंसिल्स हैं ये पेंसिल्स हैं, 3 ग्रेड की पेंसिल्स हैं। मोस्टली जो हमारे पास पेंसिल्स होती हैं ये 19 ग्रेड की होती हैं, लेकिन उनमें से केवल मात्र हम ये 3 ग्रेड की पेंसिल यूज करते हैं। जैसे कि ये एच ग्रेड है, ये 2H है और ये HB ग्रेड पेंसिल है। सो जो हमारे पास हम देखेंगे कि जो हमारी H2H पेंसिल है ये सबसे ज्यादा हार्ड पेंसिल होती है और इस 2H पेंसिल का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें बहुत कम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है, जिन इस टाइप की लाइन ड्रॉ करना है जिनकी हमें जिनको हमें ज्यादा नहीं दिखाना है। और H पेंसिल से हम H पेंसिल को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें कोई लेटर्स लिखना है, कोई अल्फाबेट्स लिखना है, कोई नोट्स लिखना है। और HB जो पेंसिल है, HB पेंसिल हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें किसी ऑब्जेक्ट की आउटर लाइन को ड्रॉ करना है, तो वहां पे हम HB पेंसिल का यूज करते हैं। तो छात्रों ये इस टाइप से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3 पेंसिल रखना जरूरी होती है, जो तीनों पेंसिल जो तीनों अलग अलग ग्रेड की होती है। वैसे अगर हम देखें तो पेंसिल के जो है 19 ग्रेड्स में अवेलेबल रहती है पेंसिल, जो जो कि 19 पेंसिल 19 ग्रेड में अवेलेबल होती है, जो कि सबसे हार्ड ग्रेड होता है वो हार्ड ग्रेड H9 से लेके H4 तक होता है। फिर जो दूसरी कैटेगरी की जो पेंसिल्स होती हैं वो पेंसिल होती है मीडियम ग्रेड की पेंसिल्स। सो जो मीडियम ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं उनकी जो वैल्यू है 3S से लेके B तक होती है। और तीसरा जो होता है सॉफ्ट ग्रेड की जो पेंसिल्स होती हैं उनकी जो वैल्यू है 2B से लेके
सेवन बी तक होता है। तो इस टाइप से जो हमारी पेंसिल्स हैं उन पेंसिल के टोटल जो है 19 ग्रेड्स होते हैं, और इन 19 ग्रेड की पेंसिल में से ओनली हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये 3 ग्रेड की पेंसिल यूज करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, 2H, H और HB। छात्रों अब इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है स्केल। सो नॉर्मली जो हमारे पास स्केल होती है, स्केल जो हमारे पास कहाँ है, क्यों नॉर्मली जो हमारे पास स्केल होती है ये दो साइज में स्केल आती है। एक आती है छोटी स्केल जो 15 सेंटीमीटर की होती है, और एक आती है बड़ी स्केल जो कि जो है हमारी 30 सेंटीमीटर की होती है। इस स्केल में हम देखें तो स्केल में हमारे पास दो टाइप के मेजरमेंट्स लिखे रहते हैं। ये ऊपर वाला मेजरमेंट्स है वो सेंटीमीटर की में होता है, और जो नीचे वाला मेजरमेंट है ये इंच में होता है। सो हमें जो भी वैल्यू मेजर करना है दोनों यूनिट में हम अलग अलग मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा स्केल में एक और स्केल होती है जिसे हम ये रोलर स्केल बोलते हैं। इस रोलर स्केल एक कॉम्बिनेशन है, इसमें देखिए बहुत सारे अटैचमेंट हैं। एक तो इसमें प्रोटेक्टर भी दिया हुआ है, स्केल भी दिया है, और ये होल भी दिए हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये रोलर स्केल है, इसको रोल करके हम एक जगह से दूसरी जगह पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा है डस्टर। डस्टर जो हम ड्राइंग शीट जब हम यूज करते हैं और उसको रबर से रफ करते हैं, तो रफ करने के बाद जो है वहाँ पे जो कचरा आता है उसको हम डस्टर या हैंड की या हमारा जो रुमाल है उसको हम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रबर। रबर का जो यूज हमें इस टाइप की रबर यूज करना चाहिए जिसको यूज करने से हमारी जो शीट है वो काली ना हो, वो डार्क ना पड़े और प्रॉपरली रफ हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे ये लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन को मिटाने के लिए मेरे पास ये रबर है, तो ये रबर की हेल्प से मैं इस टाइप से इसको जब रबर डस्ट कर रिमूव करूँगा, तो ये देखिए रिमूव करने के बाद ये टोटली क्लीन हो गया, और इस टाइप से हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी की रबर, नॉन डस्ट की रबर हमें यूज करना चाहिए। इसके बाद है ड्राइंग बोर्ड क्लिप। सो ड्राइंग बोर्ड क्लिप का काम जो होता है ड्राइंग शीट को बोर्ड के ऊपर फिट करना। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने लगा रखा है, ये ड्राइंग बोर्ड क्लिप है। इस ड्राइंग बोर्ड क्लिप की हेल्प से जो है हमारे ड्राइंग शीट और बोर्ड को हम एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं, और ड्राइंग शीट हमारी इधर उधर मूव नहीं करती है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट जो है ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ड्राइंग शीट ये मार्केट में अवेलेबल होती है। इस ड्राइंग शीट अभी जो हमारे पास है ये अलग अलग स्टैंडर्ड अलग अलग डिजिग्नेशन में आती है। मोस्टली ये ड्राइंग शीट जो है 5 डिजिग्नेशन में आती है। इसमें से जो हमारे पास अभी शीट अवेलेबल है, ये शीट हमारी जो है ये A2 साइज की शीट है। A2 साइज की शीट का मतलब है इसकी जो लंबाई है वो लंबाई इसकी 594 mm है, और इसकी जो चौड़ाई है 420 mm है। जो हमारी ड्राइंग शीट 5 डिजिग्नेशन में आती है, 5 स्टैंडर्ड में आती है, उसके जो डिजिग्नेशन इस टाइप से हैं। डिफरेंट टाइप के डिजिग्नेशन हैं, जैसे कि इसका डिजिग्नेशन होते हैं ड्राइंग शीट के जो डिजिग्नेशन से होते हैं वो होते हैं A0। A0 का मतलब होता है 441 × 1189। दूसरा जो डिजिग्नेशन होता है वो होता है A1, जिसका मतलब होता है 594 × 841। तीसरा जो डिजिग्नेशन होता है उसका मतलब होता है A2, जिसकी वैल्यू होती है 420 × 594। चौथा डिजिग्नेशन होता है
A3 इसकी वैल्यू होती है 420 इंटू 297। चौथा डेजिग्नेशन होता है A4, इसकी वैल्यू होती है 210 इंटू 297। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी ड्राइंग शीट के डेजिग्नेशंस हैं, और इस डेजिग्नेशंस में जो है हमारी ड्राइंग शीट मार्केट में अवेलेबल होती है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास ये जो ड्राइंग शीट है ये A2 डेजिग्नेशन की है। सो A2 जो नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग बोर्ड। तो छात्रों, जो हमारे पास ड्राइंग बोर्ड होते हैं, ड्राइंग बोर्ड वुडन के बने हुए होते हैं। ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड के ड्राइंग शीट के डिजिग्नेशंस हैं, वैसे ही ड्राइंग बोर्ड के डिजिग्नेशन होते हैं। ड्राइंग शीट के डिजिग्नेशन के कंपेरिजन में जो ड्राइंग बोर्ड के डिजिग्नेशन होते हैं वो बी से स्टार्ट होते हैं, और जो A0 साइज है उसके लिए जो ड्राइंग बोर्ड का डिजिग्नेशन है वो B0 होता है, और उसकी जो साइज होती है वो होती है 1500 इंटू 1000 mm। और जो A1 साइज की सीट है उसके लिए जो डिजिग्नेशन होता है ड्राइंग बोर्ड का, वो ड्राइंग बोर्ड का डिजिग्नेशन होता है V1, इसकी वैल्यू होती है 1000 इंटू 700 mm। और तीसरा जो डिजिग्नेशन होता है वो होता है B2, जिसके लिए ड्राइंग बोर्ड की साइज होती है 700 इंटू 500। और जो लास्ट जो बोर्ड होता है जिसकी डिजिग्नेशन होती है B3, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 500 इंटू 350। सो ये ड्राइंग बोर्ड के डिजिग्नेशन है, इसको हम बोलेंगे ड्राइंग सीट साइज।